नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी की पांच बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मऊ पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी पर कंज कसते हुए गाजियाबाद में हुए रेप कांड का मजाक उड़ाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन वो उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर योगी जी अपना 10 मिनट का समय भी अपने अधिकारियों को देते तो गाजियाबाद में सुहागरात मनाने जा रहे दंपति के साथ बलात्कार ना होता और ना ही उन्नाव में किसी युवती के साथ रेप होता। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार मैंने उनको बधाई दी थी, उसके बाद आज तक हमने योगी आदित्यनाथ से इसलिए कि योगी बड़े आदमी हैं, जो 10 मिनट हमें देंगे वो 10 मिनट वो प्रशासन को दें ताकि उन्नाव में किसी बच्ची का बलात्कार न हो और उस बच्ची के पिता की निशंस हत्या न हो। वो 10 मिनट हम इसलिए दें कि गाजियाबाद में सुहागरात मनाने जा रहे दंपत्ति, उनको मेरठ में उनको मारा न जाए। बदायूं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हवाला कारोबार और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक व्यक्ति नाइजीरिया का रहने वाला है और वो भारत में पिछले 4 साल से बिना वीजा के रहकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 8 मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी आईडी और कुछ नकदी बरामद की है। वहीं इस मामले में एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि नाइजीरियन युवक से आईबी और एसटीएफ की टीमें पूछताछ कर रही हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उनके साथी दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहकर ऑनलाइन ठगी करते थे और इनके गैंग में कई लड़कियां और विदेशी लोग भी शामिल हैं। ये लोग पिछले 1 महीने में करीब करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। ये थाना बिसौली पुलिस ने सूचना पर एक ही संग्रामपुर गांव है इंडिया का, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे इनको पता चला कि ये लोग मोबाइल पर मैसेज भेज करके और ये लोग इसमें मेल के थ्रू ये लोग चीटिंग करते हैं। इसको पकड़ा गया, इससे पता चला कि इनके पास नाइजीरियन आते भी हैं, इनसे ये नाइजीरियन भी मिल गया। फिर यहाँ पे तो ये लोग भेजते हैं यहाँ पे इसमें मोबाइल्स पर मैसेज भेजते हैं कि आपका ये लॉटरी निकली है, उसमें जो लोग फंस जाते हैं फिर उनको बताते हैं कि आप इतने पैसे जमा कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको ये पैसा आपके घर पहुँचा दिया जाएगा, इसमें आपको इनकम टैक्स जमा करना है, ये करना है। उस बहाने से उनसे कुछ लोग जमा करा लेते हैं पैसा। ये फरुखाबाद में एसडीएम सदर और खाद्य निरीक्षक ने तेल का अवैध कारोबार करने वाले तेल व्यापारी के अड्डे पर छापेमारी की, जिसमें करीब 42 ड्रम केरोसिन एवं नकली डीजल बनाने की 1.5 दर्जन बोरियां बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा तेल व्यापारी गौरव मिश्रा के यहाँ जाँच पड़ताल करने गए थे, लेकिन किसी बात को लेकर गौरव ने उप निरीक्षक वर्मा के साथ बदसलूकी कर दी, जिसके बाद वर्मा ने घटना की जानकारी एसडीएम सदर को दी, जिसके कुछ ही देर बाद एसडीएम सदर खाद्य निरीक्षक और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वहां छापेमारी की। छापेमारी की सूचना मिलते ही गौरव मिश्रा अपने परिजनों के साथ फरार हो गया। वहीं इस मामले में खाद्य निरीक्षक का कहना है कि इस छापेमारी की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिन्ना की तस्वीर लगाने वाले समर्थकों के खिलाफ कैंपस में जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश के विभाजन के आरोपी जिन्ना की तस्वीर एएमयू छात्र संघ में लगाने के खिलाफ जिन्ना का पुतला जलाकर विरोध किया। इस जुलूस में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पदाधिकारियों और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि देश के विभाजन के जिम्मेदार और लाखों हिंदुओं के कत्ल के आरोपी जिन्ना की तस्वीर एएमयू में नहीं लगनी चाहिए और जो भी देश में जिन्ना का समर्थक है उसे देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर थाना कर्नलगंज में जिन्ना की तस्वीर लगाने का समर्थन करने वाले एएमयू छात्र संघ पदाधिकारियों व इसके समर्थन में आए दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तहरीर भी दी है।
देश में सर उठाने का काम कर रही हैं। उसी क्रम में जिन्ना के समर्थन में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र पदाधिकारी और जामिया इस्लामिया का वाइस चांसलर जो समर्थन में उतरे हैं उसके विरुद्ध आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर एक छात्र जो है उग्र हो चुका है। और आज हम लोगों ने इसी क्रम में जिन्ना जैसे आतंकवादी भ्रष्ट और समाज को तोड़ने वाला, देश को विभाजन करने वाले का आज पुतला दहन किया है। और उन जिन्ना के जो महिमा मंडन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनके खिलाफ आज कर्नलगंज थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे और प्रशासन से अपील करेंगे कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज करके उन पर त्वरित कार्यवाही किया जाए। राणा यशवंत प्रताप सिंह, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। पीलीभीत के थाना गजरोला क्षेत्र के पास गन्ने से भरे ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार माँ बाप सहित बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। माधोटंडा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल सवार 3 सवारी थे और सामने से आते ट्रक से इनका टकराया गया है, जिसमें मौके पर मौत हो गई है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।